हमारा सारा काम चौपट हो गया, पानी पानी हो गया हर जगह। ये देखो वो टेंट गिर गया, सब गीले हो गए। सो ही गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं हूँ श्रीनगर के डल लेक में, और जो आप मेरे सामने देख रहे हैं खूबसूरत डल लेक का नज़ारा। तो रात को मैं यहाँ पे पहुँचा था तकरीबन 10:30-11 बजे। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे शिकारा ली, और उसके बाद ये हाउस बोट्स में बुक किया था मैंने, तो हाउस बोट्स में आ गया। तो ये जो HB डंगोला देख रहे हैं, इस हाउस बोट्स में मैं रुका हुआ था। तो काफ़ी अच्छी अकोमोडेशंस हैं, मज़ा आता है यहाँ पे, और रात को जो व्यू होता है वो कुछ अलग ही होता है इस लेक का। तो काफ़ी एंजॉय किया मैंने रात को यहाँ पे। बस थोड़ा सा लेट हो गया था, तो उस वजह से थोड़ा सा अगर टाइम से पहुँचता तो और भी मज़ा आता। तो काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा लग रहा था मेरे को, और अगर लेक खूबसूरत है तो मैंने कहा क्यों ना फिर थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लिया जाए, और इस पल को थोड़ा सा और भी खूबसूरत बनाया जाए, और थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और थोड़ा मज़ा भी हो जाएगा। तो फिर बस हम लग गए एक्सरसाइज करने में। सो फाइनली गाइस, मैं निकल गया हूँ अपने आगे के सफ़र के लिए, क्योंकि मेरा जो मेन जो टूर है अभी मैं जा रहा हूँ वो है मेन लद्दाख को एक्सप्लोर करना, और मुझे पूरे लद्दाख को एक्सप्लोर करना है। तो इसलिए कश्मीर में मैं ज़्यादा स्टे नहीं किया, और कश्मीर को छोड़ रखा है मैंने बाद के लिए। पहले हम जाएंगे लद्दाख, और लद्दाख को पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं हम। उसके बाद जब लद्दाख एक्सप्लोर हो जाएगा, उसके बाद फिर ज़ांस्कर जाना है। तो फ़िलहाल हम करते हैं लद्दाख की बात। कश्मीर में जो लद्दाख के रास्ते जो भी जगह आती हैं, वो जगह हम एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे, और हम एंटर करेंगे लद्दाख में। उसके बाद हम लद्दाख को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं, और लद्दाख का जो टूर मैंने बनाया है वो तकरीबन 1 महीने का टूर प्लान किया है। तो इस बार हम लद्दाख में 1 महीने स्पेंड करने वाले हैं, 1 महीने 30 डेज। तो लेंगे नज़ारा कैंपिंग का, हर चीज़ का, और करेंगे अच्छे से एक्सप्लोर लद्दाख को। तो चलते हैं लद्दाख और करते हैं लद्दाख को एक्सप्लोर। सो लेट्स गो। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं इस खूबसूरत सी जगह पर। रिवर का फ्लो जो है वो काफ़ी तेज है, और ये ब्रिज, गाड़ी भी आती है यहाँ से।
छोटा सा ब्रिज है, इससे गाड़ियाँ क्रॉसिंग हो रही हैं। और यहाँ पे आगे रिवर का फ्लो चेक करो कितना तेज है, जो फ्लो है रिवर का। देखो तो ये जो जगह है श्रीनगर और सोनमर्ग के रास्ते में, बड़ी खूबसूरत जगह है ये। लोग खेती करते हैं और वो अंकल वहाँ पे खेत में काम कर रहे हैं और ये रास्ता चेक करो कितना खूबसूरत रास्ता है ये, साइड में रिवर फ्लो हो रही है और ये पेड़ और ये रास्ते, मज़ा है ऐसे रास्तों का। तो टाइम से अब निकलते हैं आगे क्योंकि सोनमर्ग पहुंचना है और सोनमर्ग में पहुंच के कैंपिंग करेंगे। और मौसम थोड़ा ख़राब लग रहा है आज, बारिश होने के चांसेस हैं। तो पहुंचते हैं टाइम से सोनमर्ग, पर देखेंगे आगे का प्रोग्राम के क्या करना है, बस बारिश ना हो। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। तो पहुँचते हैं
फाइनली हम सोनमर्ग के पास में हैं और वैली की खूबसूरती चेक करो, कितनी खूबसूरत वैली है ये। और ये चेक करो कितनी खूबसूरत वैली है ये। और इस साइड देखो, ये इस साइड से जो है आइस जमी हुई है, स्नो पूरी, ये ग्लेशियर बन जाता है। पीछे बहुत बड़ा था और ये ऊपर देखो पूरी फ्रेश स्नो है। ना 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 ना। मौसम खराब है आज भी, बारिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस साइड की खूबसूरती चेक कराते हैं। इस साइड जो वैली है वो कितनी खूबसूरत है, ये वाली, ये ग्रीन मीडो एरिया, और ये जाती हुई रिवर, और इस साइड से वाटरफॉल। तो बस जन्नत तो यही है, असली मज़ा जो है इसी जन्नत का है। सारे आ रहे हैं, है मज़ा, इसी चीज़ का तो मज़ा है। इस चीज़ का मैं सबसे बड़ा दीवाना हूँ, सबसे बड़ा दीवाना हूँ। मतलब हर 10 दिन के बाद में ना मुझे ये चीज़, बस इस तरीके की जो जगह है मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है कि ऐसी जगह पे छोटा सा घर हो, थोड़े लॉन्ग टाइम तक रहा जाए। जा रहे हैं सब कुछ है, वीडियो है। तो इस खूबसूरती का ना मैं पूरा दीवाना हूँ। मेरा ड्रीम है कि इस तरीके की जगह पे मेरा घर हो, वो छोटी जगह करो कैंप लगा के, ऐसी जगह पर रहने के लिए क्या मज़ा आता है। तो लगाएंगे, आगे जगाड़ दिखेंगे कहीं। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं सोनमर्ग, और ये जो वैली आप देख रहे हैं ये है सोनमर्ग। ये पूरे होटल्स हैं सोनमर्ग के, ये मार्केट और होटल्स, वो आगे तक जैसा कि जूम करके दिखा देता हूं मैं। ये सोनमर्ग के होटल वगैरह हैं, रश काफ़ी हो रखा है, और ये आगे तक होटल ही होटल हैं, मार्केट और होटल। तो ये है सोनमर्ग, और मैं हूँ अभी सोनमर्ग में। और जो ऊपर का मीडो देख रहे हैं कितना खूबसूरत है ये मीडो, ये देखें, ये चेक करो। तो ये जो कश्मीर की जो वादी है ना, वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत। तो इस चीज़ का ना मैं सबसे बड़ा दीवाना इस चीज़ का। तो फिलहाल मैं अभी कहीं कैंप लगाने के लिए जुगाड़ देखते हैं, कैंप लगाएंगे, और आज हम कैंप में स्टे करेंगे। तो वो जगह ढूंढ रहा हूँ मैं, आगे तक जाके आता हूँ जहाँ कहीं मेरे को जगह अच्छी लगे। वैसे तो ये भी जगह काफ़ी अच्छी है कैंप लगाने के लिए, लेकिन मुझे ऐसी जगह देखनी है जहाँ पर गाड़ी भी आराम से, गाड़ी वहाँ तक पहुँच जाए, तो मैं ऐसी जगह पर कैंप लगाऊँगा। तो मैं आगे तक जाके आता हूँ, देख के जल्दी से,
फिर उसके बाद में जगह देखते हैं, फिर उसके बाद कैंप लगाएंगे। तो लेट्स सी। वेलकम टू सोनामार्ग। तो भाई अभी चल रही थी कुकिंग, सारा कुछ प्रोग्राम अच्छा चल रहा था, तभी बारिश आई। बारिश के साथ ना बहुत तेज़ हवा, जिसकी वजह से हमारा सारा काम चौपट हो गया, पानी पानी हो गया हर जगह। ये देखो वो टेंट गिर गया, सब गीले हो गए। ये भाई चिल कर रहे हैं, ये भाई राजस्थान से आए हैं, राजस्थान गंगानगर से। हेलो ब्रो, हाय। नाम क्या है भाई आपका? मेरा विजेंद्र कुमार। तो ये भाई राजस्थान गंगानगर से आए हुए हैं, पंजाब से। तो बढ़िया जी, यहाँ पे चिल कर रहे थे सब लोग, तभी बारिश और हवा की वजह से ना सारा काम खराब हो गया। टेंट पूरा पानी पानी हो गया, इधर कुकिंग, और इस साइड चेक करो बादल, और ये साइड बादल देखो कैसे जा रहे हैं। तो जगह बहुत सही थी ये कैंपिंग करने के लिए, बट हवा की वजह से सब काम खराब हो गया। तो फिलहाल कपड़े चेंज करते हैं, मैं पूरा गीला हो गया हूँ, और चारों पासे बादल ही बादल हैं। ये देखो वैली में, तो पहले कपड़े चेंज करते हैं, नहीं तो तबीयत खराब होने के चांसेस हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो भाई असी सोनमर्ग मसा का टेंट वगैरह सारा कुछ लाया होया सी, गड्डियां खड़ाई हुई सी, उत्थे कुकिंग कर रहे थे, उधर टेंट लाया सीगा। ते उतों बाद पहला तो मीह आ गया, उतों बाद फिर आ गया तूफान, ते अपना जड़ा छोटा टेंट है वो तो बच गया, पर जड़ा बड़ा टेंट है वो पानी हवा करके ना ढह गया, ये अंदर पानी बढ़ गया टेंट वगैरह दे विच, ते सारा काम खराब होया पिया। हुण देखो मीह तो बाद मौसम तो सोहना हो गया, बट अंदर दे हालात कुछ ठीक नहीं ने, अंदर कंडीशन खराब आ। अंदर वाले पासे तलाब बनया पिया, वो कॉर्नर ते आ कॉर्नर ते दोनों दे पानी भरया होया, ते पानी पानी हो गया टेंट दे अंदर।
तो आज कैंपिंग का सारा काम गड़बड़ हो गया। तो भाई बैठे हैं, चल चुल कर रहे हैं ना इधर, कूड़े घा खाई जाते हैं। पूरा सोना माहौल सी, वधिया तो गाइस यहाँ पे हो गया था मेरे साथ सीन। टेंट वगैरह हमने लगाया और उसी समय बारिश आ गई और तूफान आ गया, तो हमारा जो टेंट था वो सारा हवा में ढह गया, तो पानी वगैरह भर गया था, तो मैं भी गीला हो गया था, तो उसकी वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स हुई और मेरी पूरी बैक, मैं मतलब भीग गया था बारिश में, तो मेरी बैक पूरी दुख रही थी इस जगह। तो यहाँ पे मतलब थोड़ा कैंपिंग का जो सीन था वो थोड़ा सा गलत पड़ गया मौसम की वजह से, क्योंकि बारिश हो जाए चलता है, बारिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तूफान आता है तो पता ही है कि टेंट जो है बड़ी मुश्किल से टिक पाते हैं। तो जो छोटा टेंट था वो टिक गया और बड़ा वाला टेंट जो है वो पोल ना टूट जाए, इस वजह से मुझे खोलना पड़ा। तो आज के इस ब्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।